हेलो एवरीवन, मैं स्मित शर्मा लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक किया था, आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। मतलब ट्रेन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको कम से कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति को, पेड़ को, या किसी भी पोल को, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सामने बिल्कुल नए के बराबर हो, उसकी लंबाई कभी भी ट्रेन की लंबाई में ऐड नहीं होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर ट्रेन किसी भी फ्लाईओवर को, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में ऐड हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आपको कि ये कोई व्यक्ति है और ये ट्रेन है, ये कोई व्यक्ति है और ये ट्रेन है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई के सामने बिल्कुल नए के बराबर है, तो इसकी लंबाई इसमें ऐड नहीं होगी। यहीं पे अगर मान लो ये ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म है या कोई फ्लाईओवर है, तो इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सामने कुछ तो मायने रखती है। मान लो ट्रेन अगर 200 मीटर की हुई तो ये 50-60 मीटर का तो होगा ही, तो इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो, ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आपके ट्रेन के सभी क्वेश्चन क्या होंगे, कम से कम टाइम में सोल्व होंगे। और आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपके ट्रेन से रिलेटेड 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है एम डिवाइड बाई सेकेंड इंटू में 18/5 इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आर। ये आपका फॉर्मूला है। एम आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। सेकेंड एसईसी किसको करेंगे, सेकेंड। किलोमीटर पर आवर चाल को। देखो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो मैक्सिमम मीटर में होती है, अगर 1% किलोमीटर में होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। आप ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करती है तो वो ये तो है नहीं 5-7 घंटे लेगी, तो ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करने में क्या सेकंड या मिनटों में क्रॉस कर देती है, सेकंड या मिनटों में क्रॉस कर देती है। तो सेकंड रहेंगे तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, 1% मिनट हो भी गई तो हमें पता है कि मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम इजिली मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी किसमें गिवन रहती है, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18/5 आपका कैसे आया है, मीटर बटे में सेकंड। मीटर क्या है, दूरी है, सेकंड क्या आपका समय, दूरी बटे में समय क्या होता है आपका चाल होता है, और जो चाल किलोमीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। और वैसे मैंने इसका पूरा कंसेप्ट, बेसिक मेथड कि कैसे मीटर सेकंड किलोमीटर पर आवर 18/5 कहां से आया है, कैसे यूज करते हैं, कैसे कन्वर्जन होगा, सभी के सभी मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल इजी मेथड से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको समझा रखे हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके वो पहले देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एम मीटर है, डिवाइड बाई सेकेंड इंटू में 18/5 इज इक्वल्स टू किलोमीटर। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट होंगी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, ठीक है। ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ना कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए कि ये मत सोचना कि प्लेटफॉर्म की तो लंबाई दे ही नहीं रखी, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो कैसे करना है, सबसे पहले मीटर, ट्रेन की लंबाई आपको पता है कितने मीटर है, 100 मीटर, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है वो आपको बताना है, इंटू में 18/5। उसके बाद स्पीड कितनी है, 30, सॉल्व करेंगे 0 से 0, 5 to 10, 3, 6 कितनी सेकंड आ गई आपकी, 12 सेकंड। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप ऊपर ऊपर वाले नंबर को काट सकते हो, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, प्लस या माइनस में है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
240 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो सेम क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो सभी एक बार करके देखो कैसे करना है। देखो 240 अभी हमने किया था, डिवाइड बाई सेकेंड हमें बतानी है, इंटो में 18/5 हो गया, किलोमीटर पर आवर आपकी बार 72। सोल्व करेंगे 18 चौके 72, 4 से इसको काट दो किस पे 60 पे, 5 से कटेगा किस पे 12 पे, कितनी सेकंड आ गई 12 सेकंड, जो कि आपका क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबे, अब की बार किसको क्रॉस करी है, 132 मीटर लंबे पुल को, तो कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था अगर ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखो तो कैसे करेंगे, 110 प्लस में 132, सेकंड हमें बतानी है, मतलब सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू में 18/5 इज इक्वल्स टू स्पीड आपको दे दी 72, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 242 डिवाइड बाई सेकेंड इंटू में 18/5 इज इक्वल्स टू 72। 18 चौके कितना होता है 72, 2 × 2 = 4, 2 से इसको काट दो 121, तो सेकेंड आएंगे 121, 5 × 2 = 10 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब 12.1 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। मतलब जो 110 मीटर लंबी ट्रेन है वो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 12.1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 240 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो समय बताना है आपको, तो इसके लिए आपको पुल की लंबाई दे रखी है 650 है, मतलब हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड हम निकालेंगे पहले। ट्रेन की स्पीड हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से, मतलब 240 जो मीटर लंबी ट्रेन है वो 24 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है गुणा में 18/5, तो हमारी स्पीड यहां पे हमारी पास आ जाएगी 24 से कटेगा 10 पे, 5 से किस पे 2 पे, 18 × 2 कितना होता है 36 होता है, मतलब जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने समय में, वो हमें बताना है। तो 240 मीटर लंबी तो क्या होगी ट्रेन, मैंने बताया था हमेशा क्या करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें ऐड करेंगे, तो 650 डिवाइड बाई सेकेंड हमें बतानी है इसमें, इंटू में 18/5 इज इक्वल्स टू स्पीड हमें पता कर ली कितनी है 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 890 आएगा आपके पास, सेकंड इनटू में 18/5 इज इक्वल्स टू 36, सॉल्व करेंगे 18 से किस पे 2 पे, 5 इनटू में 2 क्या होता है 10, इस 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आएगा हमारा 89 सेकंड, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म दोनों के दोनों क्या है बराबर है, तो देखो लेट मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सेम है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा आपका एक्स ही होगा। अब दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे x प्लस एक्स डिवाइड बाई एक मिनट में, देखो मैंने बताया था मिनट अगर आपको मिल भी जाती है 1% तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, ये कन्वर्जन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप पहले देखें टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो 60 इंटू में क्या 18/5 is equals to speed में पता है कितनी है 90, x 6 क्या होगा 2x divide by 60 is equals to क्या होगा 90, 18 से 5 पे, अब 2x equal होगा 16 5 से 300, 300 into में 500 1500, 300 into में 5 1500, तो x equal क्या आएगा
1500 डिवाइड बाई 2 होगा मतलब 750, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 750, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 750 मीटर। तो अगर ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है, यहाँ पे अगर आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछा जाए तो वो भी आपकी क्या होगी 750, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 1500 जो आपके पास आया था, तो हाफ आप है तो 750 प्लस 750 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में, मतलब कोई भी ट्रेन है, ये ट्रेन थी, एक खंभा आया, इसको क्रॉस कर दिया उसने कितनी सेकंड में, 15 सेकंड में। फिर आगे चल के एक प्लेटफॉर्म है, आगे चलने के बाद एक प्लेटफॉर्म है, इसको भी क्रॉस कर देती कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो आपको बताने कि ये जो ट्रेन चल रही है, जा रही है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो कैसे करेंगे देखो, पहले हम क्या करते हैं, खंभे को क्रॉस करवाते हैं, मतलब ट्रेन मान लेते हैं कि x मीटर लंबी है, खंभे को क्रॉस किया 15 सेकंड में, इनटू में 18/5, स्पीड हमें पता नहीं, मान लेते हैं y, तो यहाँ पे हम कर भी सकते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी आपकी x, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड क्या होगी आपकी y मान लो, तो ये मान लो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड में ये कह रहा है कि x मीटर तो क्या है, ट्रेन है, 100 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, डिवाइड बाई 25 सेकंड में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होती है, ऐड होती है, इनटू में क्या होगा आपका 18/5 इज इक्वल्स टू क्या होगा y, ये सेकंड। अब ये पूरी भी y की वैल्यू है और ये पूरी भी क्या है, y की वैल्यू है, तो दोनों को क्या कर देते हैं हम, इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास x by 15 into में 18/5 is equals to x plus 100 divided by 25 into में 18/5, 18/5 से 18/5 क्या होगा, कैंसिल होगा आपका, 5 3 जा क्या होता है 15, 5 5 जा क्या होता है 5, की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की करेंगे तो आपका 3x प्लस में 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 300, 3x इस साइड आके माइनस 2x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 300 डिवाइड बाई 2, मतलब 150 आपका क्या होगा आंसर। तो ट्रेन की लंबाई हमने x मानी थी और x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 150 आई है, जो कि आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी आपको पढ़ाया गया होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।